नमस्कार, आप देखने आ रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा आज होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा, जहां वो सुबह 9:55 पर पहुंचेंगे और डुमरियागंज के कृषि उत्पादन समिति में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ राहत सामग्री जो है बाढ़ पीड़ितों में बांटेंगे और हवाई सर्वेक्षण करते हुए नौगढ़ तहसील पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे नौगढ़ के किसान इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो बाढ़ ग्रसित पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही राहत सामग्री को वितरित किया जाएगा। लगातार आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को भी बाढ़ संबंधित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जरूरी मुहैया कराई जा सके मदद और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। और इसी क्रम में अब सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे नौगढ़ के किसान इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से बातचीत करेंगे और इसी के साथ ही राहत सामग्री को वितरित किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुबह 9:55 पर डुमरियागंज के कृषि उत्पादन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ ही अब रुक करेंगे फिरोजाबाद का, जहां पर आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों में अब इजाफा हो रहा है। लगातार बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में करीब 100 बच्चे भर्ती किए गए। अस्पताल में मरीज बढ़ने से बेड कम पड़ गए हैं और एक बेड पे दो दो मरीजों को लिटाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के 100 से यहां अस्पताल का बुरा मामला है, जहां पर डेंगू के पीड़ितों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। एक बार फिर से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। और इसी बीच अब मेडिकल कॉलेज के 100 से यह अस्पताल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन बता दें कि अस्पताल में बेड्स की कमी है, जिसकी वजह से एक ही बेड पर दो मरीजों को रखना पड़ रहा है। और इसी बीच डेंगू और बुखार के जो मरीज हैं, लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप शुरू हो चुका है और ऐसे में अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों के दावे हैं, लेकिन आपको बता दें, अस्पताल में बेड्स की कमी के चलते ये ताजा खबर यहां पर सामने आई है, जहां पर डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक बेड पर दो मरीजों को रखना पड़ रहा है। बेड्स की कमी अस्पताल में देखने को मिल रही है और इसी बीच डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां वसूली के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सीबीआई की प्राथमिक जांच की एक रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल भी हो गई थी और यही वजह थी कि प्राथमिक जांच की गई थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने शुरू कर दिया था। सीबीआई की माने तो उनके प्राथमिक जांच की रिपोर्ट उनके ही विभाग में काम करने वाले सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी ने लीक किए थे और इस दस्तावेज को लीक करने के लिए उन्हें अनिल देशमुख की लीगल टीम से जुड़े वकील आनंद डागा से आईफोन 12 प्रो बतौर घूस लिया गया था। ऐसे में सीबीआई ने यह भी कहा कि तिवारी ने समय समय पर कुछ ना कुछ मूल्यवान गिफ्ट भी लिए थे। मुंबई में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में चला गया और फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच इस पूरे मामले में शुरू कर दी थी और जांच में उन्हें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसके आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।